एक बार फिर सब भूलकर आगे बढ़े सचिन पायलट। अब गहलोत की जगह अलाकमान के चहेते बने पायलट। अब आगे की राह हुई और भी आसान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट ने एक कदम पीछे करके हार के भी जीत हासिल कर ली है। अलाकमान के तो वे चहेते बन ही गए और जनता की भी सहानुभूति हासिल कर ली है। और अशोक गहलोत पायलट को लेकर चली आ रही टेंशन भी अब खत्म हो गई है। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में राजस्थान के भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि सब मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इतिहास को बदलेंगे। और हाल ही में सचिन पायलट का एक और बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें माफ करें और भूल जाएं और आगे बढ़े की सलाह दी है। इसके साथ ही पायलट ने सीएम के चेहरे पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि दशकों से कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। सचिन पायलट के इस बयान पर गौर करें तो पाते हैं कि अब सचिन पायलट ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है और अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होती है तो वे सीएम की कुर्सी के प्रबल दावेदार होंगे। सचिन पायलट ने इससे आगे कहा कि पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है और हर बार जब हम चुनाव में जाते हैं तो किसी चेहरे पर नहीं लड़ते हैं। पायलट ने ये जोर देकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पार्टी के बारे में है और पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व एक सामूहिक इकाई है। हमारा प्रदर्शन और नीतियां व्यक्तिवादी नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आधारित हैं। सचिन पायलट ने साथ ही ये भी कहा कि अभी हमारी चुनौती 25 साल से चली आ रही सत्ता विरोधी प्रवृत्ति को खत्म करने की है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि हम सरकार बनाते हैं और अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं और इसीलिए सामूहिक नेतृत्व ही राजस्थान में चुनाव जीतने का एकमात्र रास्ता है। इस दौरान अशोक गहलोत की तारीफ में कहा कि अशोक गहलोत जी मुझसे बड़े हैं, उनके पास अनुभव भी है, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने भी सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी और आज वो मुख्यमंत्री हैं तो वे खुद भी यही कर रहे हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि राजस्थान में राजनीति है वो कहां तक पहुंच रही है। चुनावों से पहले तैयारियां तो बहुत सी चल रही हैं और आप जानते भी हैं कि लंबे समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद चल रहा है। विवाद खत्म हुआ नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब सचिन पायलट ने अपने कदम पीछे करके दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है। पायलट के इस कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।